आस्था, अब बात आस्था की कर दिए सर, अगर कोई रोड चलते हुए कोई कहेगा कि किसी गाड़ी दिखेगी, मेरी आस्था इसमें दे दीजिए, मुझे दे देंगे आप? बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? आपको याद दिलाने के लिए मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। दूजी का केस डलवाया, सब करवाया, और वही आपका रैम्बो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, हमारे रैम्बो तो 70 साल की कांग्रेस रूल के बाद आए हैं। ये जो है गुस्सा किसी और दाढ़ी वाले का, हम दाढ़ी वाले पर निकाल रहे हैं। आज हम एक बार फिर से मीडिया डिबेट्स की बात करेंगे। प्रैंकर और नेता के बीच झड़प की नहीं, बल्कि एक ऐसी जोड़ी की बात करेंगे जो अब तो डिबेट्स में कम ही दिखती है, पर जब भी वे आमने सामने आते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और AIIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी की, और इनकी कुछ डिबेट हम आपको दिखाएंगे जब वे राम मंदिर, कश्मीर और अन्य मुद्दों पर डिबेट में एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आए। आज तक पर राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर हुई बहस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और AIIM नेता ओवैसी आमने सामने आए। नेता के तीखे सवालों के जवाब ओवैसी ने आक्रामक तेवर से दिए। असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी है। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं घर में लगा कर रखूंगा। कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? आपको याद दिलाने के लिए मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर ने लिखी थी, आप उसी को कोट कर रहे हैं ना, कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर RSS का ओथ ऊपर रहेगा, या बता दीजिए। जी न्यूज पर हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर तीखे वार किए, जिस वजह से दोनों के बीच कश्मीर जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होती दिखी। अरे सरकार आपकी है सर, उनको मार देंगे। सर, आपका प्राइम मिनिस्टर है, जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसको आपने एंडोर्स किया, जिसका आपने 2G का केस डलवाया, सब करवाया, और वही आपका रैम्बो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, हमारे रैम्बो तो 70 साल की कांग्रेस रूल के बाद आए हैं, अभी 4 साल में आप चल रहे करिए ना कुछ, आप तो कुछ करिए सर। आपकी सरकार नहीं कर रही, एक कश्मीरी पंडित को नहीं लेकर जाते आप। पूरा कश्मीर आज क्या हो रहा है देखिए आप, वहाँ पर आप खुद जानते हैं सर। मैं जानता हूँ कश्मीर में क्या हो रहा है वहाँ पर। मैं आपसे कह रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट पर बात करिए। आप 800 साल की बात मत करिए। 800 साल का इसीलिए बात कर नहीं करूँगा सर मैं, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं थी। आप हमारी डेमोक्रेसी नहीं थी सर, वो हमारे 4 साल के लिए आप परीक्षा ले रहे हैं। मैं आपका 800 साल का परीक्षा नहीं ले सकते सर। आप क्या कर रहे थे? अगर आप 800 साल का लेंगे तो मैं 2000 साल का लोगों कैसा जुल्म हुआ, कैसा बौद्ध मजहब के, आप ठीक किया सर। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और आपको देना पड़ेगा मुझे, और मैं लड़के लूंगा इंशाल्लाह। न्यूज 18 पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर आस्था का जिक्र किया, जिस पर ओवैसी ने भी जवाब दिया। इसके बाद कोर्ट के किसी फैसले को लेकर दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। आपको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे, बट जहाँ मेरी आस्था कहती है, इसमें प्रूफ का सवाल नहीं है। मैंने ASI का जिक्र इसीलिए किया कि वहाँ एक ढांचा पहले था, एक मंदिर था, ये सिद्ध हो गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आस्था, अब बात आस्था की कर दिए सर, अगर कोई रोड चलते हुए कोई कहेगा कि किसी गाड़ी दिखेगी, मेरी आस्था इसमें दे दीजिए, मुझे दे देंगे आप? मैं आपके जेब में हाथ डाल के बोलूंगा नहीं सुमित साहब, आपकी घड़ी पे आस्था है, लाई दीजिए, दे देंगे आप? ये तो मजाक नहीं है ना, ये देश चलेगा आस्था पर, रूल ऑफ लॉ पर। आप कह दीजिए आस्था पर चलेगा तो ठीक है, आप लेकर जाइए म्यांमार की तरह, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह। फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जो कहते हैं 1994 का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, पर तो 5 जज के। बिल्कुल, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस्माइल फारूखी का यही मसला है। आपका तर्क, हम इसीलिए कह रहे हैं इस्माइल फारूखी एक्विजिशन के लिए था, इस्माइल फारूखी टाइटल डिस्प्यूट नहीं था। आप इंटरप्ट नहीं करते, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। इंडिया टीवी पर हिंदू मुस्लिम राम मंदिर जैसे मुद्दों पर सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी के बीच डिबेट हुई। इस डिबेट में सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाने को लेकर टिप्पणी की, जिसके जवाब में ओवैसी ने भी करारा जवाब दिया। देखिए, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों को वापस
ले जाने की बात है, उनके दिमाग में ये यानी एक आश्वासन बैठनी चाहिए कि हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। आप एक ऐलान कर दीजिए कि 370 को हटाना है, मैं कल सारे कश्मीरी पंडितों को पहुंचा दूंगा। सर आप बड़े काबिल आदमी हैं, 370 का रेजोल्यूशन आप पावर शेयर कर रहे, जे एन के असेंबली में पास करा लीजिए। नहीं नहीं, रूल पोजीशन वो है, प्रेसिडेंट सर सुनिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका है। हाँ, आप उनको बोलिए। हाँ सर, ये कब तक ये थ्रेट चलता रहेगा, हम ऐसा करेंगे? सर करते क्यों नहीं फिर? आप कहते थे, आपकी पार्टी कहती है कि हम जाके वो कश्मीर का हिस्सा ले लेंगे, ले लीजिए। तीसरी बात सर, अब मुझे मुकम्मल कर दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्वामी साहब बात करते हैं सर, क्या 371 जी और एक जो मिजोरम नागालैंड का खत्म कर देंगे आप? आज तक पर राम मंदिर के मुद्दे पर भी डिबेट हुई थी। इस डिबेट में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पुरानी बात का सहारा लेते हुए राम मंदिर बनाने को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर ओवैसी ने जवाब दिया और कुछ सवालों के जवाब भी मांगे, जिस वजह से दोनों में तीखी बहस देखने को मिली। आज जो अनेक मंदिरों को नष्ट किया मुगलों के राज में, उन सारे मंदिरों को वापस दोबारा निर्माण करने की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ 3 प्रमुख का हम कह रहे हैं और उसको मान लेना चाहिए। ये जो है गुस्सा किसी और दाढ़ी वाले का हम दाढ़ी वाले पर निकाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को पॉलिटिकल पैकेज नहीं दिया जा रहा है, तो अब वो लॉर्ड कृष्णा पैकेज की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक भाईचारा पैदा करने के लिए 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मैं कहता हूं सिर्फ 3 छोड़ दो। जवाब पहले मैं स्वामी साहब से कहना चाह रहा हूं कि 40,000 मस्जिदों को तोड़ दिए, अब हम मंदिरों तोड़े, ठीक है, हम जा रहे हैं कितने साल पहले सर, 5,000 साल पहले, तो ये काम ये करते हैं कि हम लोग 4,000 साल पहले चले जाते हैं, हम तीनों बैठ के फैसला करेंगे कि 4,000 साल से क्या हो रहा है अब तक। सुब्रमण्यम स्वामी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही बड़े नेता हैं और अपनी बात जनता के सामने रखना जानते हैं। इसके अलावा ओवैसी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वह सरकार की गलत नीतियों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.